हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग मैथमेटिक्स में लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। और एक्सरसाइज 2.2 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिए लिखा गया है, वेरीफाई द नंबर गिवन अलोंग द साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर दियर जीरोज। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इसमें दो क्वेश्चन हैं और दो क्वेश्चन में से एक मैं बताऊंगा, एक आप लोगों को खुद से करना होगा। मैं ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ और सेकंड क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, लिखा हुआ है वेरीफाई द नंबर गिवन अलोंग द साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके साइड में ये नंबर गिवन है बिलो इन दियर जीरोज, ये सब इसके जीरोज हैं, इसे वेरीफाई करना है। सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि ये नंबर, ये और ये तीनों नंबर इसके जीरोज हैं। फिर उसके बाद में आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशियंट इन ईच केस। उसके बाद हम लोगों को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज और कॉफिशियंट के बीच। हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, किसके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। यहाँ पर हम लोगों को करना है क्यूबिक इक्वेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये वेरीफाई करना है कि द नंबर गिवन बिलो साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर दियर जीरोज। हमें ये वेरीफाई करना है कि ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये तीनों नंबर इसके जीरोज हैं। और जीरोज होने के लिए मैंने बताया है कि ये नंबर इसका जीरोज तभी होगा जब इसे यहाँ पर पुट किया जाए, यक्स के स्थान पर 1/2 पुट किया जाए और यफ एक्स की वैल्यू जीरो आ जाए। यक्स की वैल्यू अगर 1/2 पुट कर रहे हैं यहाँ पर, अगर ये जीरो हो जा रहा है तो इसका मतलब ये जीरोज है। इसका मतलब है कि 1/2 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। और अगर जीरो नहीं हो रहा है तो क्या है कि ये इसका जीरोज नहीं है। उसके बाद हम सेम ऐसे 1 पुट करेंगे, 1 पुट करने पर देखेंगे कि जीरो हो रहा है या नहीं। फिर 2 पुट करेंगे, देखेंगे जीरो हो रहा है या नहीं। अगर जीरो हो जाता है तो हम लिख देंगे कि ये इसका जीरोज है, और अगर जीरो नहीं होता तो हम लिख देंगे कि ये इसका जीरोज नहीं है। चलिए हम लोग 1/2 पुट करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। 1/2 को पुट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले फंक्शन हम लिख लेते हैं, एफ एक्स इजकल टू क्या है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x+2। अब सबसे पहले हम पुट यक्स इजकल टू 1/2, यक्स इजकल टू 1/2 पुट करते हैं, पहला चेक करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यफ ऑफ 1/2। अगर यफ ऑफ 1/2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसका मतलब यक्स इजकल टू 2 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो 2 यक्स के स्थान पर 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, यफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 2 upon 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 8 हो जाएगा, प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो यहाँ आ जाएगा 1/4, 1/4 क्या हो जाएगा, 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2, यहाँ से 2, 2 जा 4, 1/2 माइनस 5/2, तो ये 5 - 1 क्या आ जाएगा, माइनस 4/2 प्लस 2, 2 जा 4, यहाँ देखेंगे तो माइनस 2 + 2 क्या आ गया, 0। मतलब आया क्या, यफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0। सो 1/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल एफ एक्स। ये एफ एक्स जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसका 1/2 जीरोज है। क्योंकि क्योंकि एफ ऑफ 1/2 जीरो हो गया। अब ऐसे ही 1 पुट कीजिए, 1 पुट करके, हम मैं नहीं करूँगा, आप लोग खुद से करिएगा। एक्स इजकल टू 1 पुट कीजिए, फिर 2 पुट कीजिए और देखिए जीरो आता है या नहीं। अगर जीरो आ जाएगा तो लिख देना कि एक्स इजकल टू 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और 2 पर भी जीरो आ जाएगा तो 1, 2 इज आल्सो द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
वन रख करके हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं, यक्स के स्थान पर वन रखेंगे तो ये वन हो जाएगा, यहाँ टू आ जाएगा, यहाँ भी वन हो जाएगा, तो टू प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री, थ्री हो जाएगा, थ्री टू फाइव, प्लस का फाइव और यहाँ माइनस का फाइव आ जाएगा, प्लस का फाइव माइनस का फाइव क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही टू रखेंगे तब भी जीरो हो जाएगा, ऐसे ही इसमें भी आप लोग रख करके पुट करेंगे तो देखेंगे सबके हर बार चाहे जो रखेंगे जीरो आ जाएगा। इसका मतलब कि ये सब इसके जीरोज हैं। अब ये तो हो गया जीरोज कैसे वेरीफाई करना है कि ये सारे नंबर इसके जीरोज हैं, ये तो समझ गए आप लोग। अब हम लोगों को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो सबसे पहले हम लोग क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है तो क्या होगा, तीन होंगे इसके जीरोज, तीन जीरोज होंगे और जीरोज ये गिवन है वन बाई टू, वन और टू ये जीरोज हैं। तो अल्फा सबसे पहले हम लोग इसको फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन क्या है, फंक्शन है टू यक्स क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर माइनस फाइव यक्स प्लस टू, ये जीरोज हैं। एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये वाला नहीं बताऊँगा, आप लोग खुद से करना है। टू यक्स क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर माइनस फाइव यक्स प्लस टू, इसको कंपेयर कर दीजिए ए यक्स क्यूब प्लस बी यक्स स्क्वायर प्लस सी यक्स प्लस डी से, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू, बी की वैल्यू वन, सी की वैल्यू माइनस फाइव, डी की वैल्यू टू आ जाएगी। और अल्फा की वैल्यू ये है, अल्फा की वैल्यू वन बाई टू, बीटा की वैल्यू वन और गामा की वैल्यू, क्यूबिक इक्वेशन में तीन होते हैं अल्फा बीटा गामा, गामा की वैल्यू टू। उसके बाद रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजकल टू C बाई ए, और अगला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू डी बाई माइनस डी बाई ए, क्या होता है, माइनस डी बाई ए। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है, देखिए क्या आता है, अल्फा, अल्फा की वैल्यू रख दीजिए वन बाई टू, बीटा की वैल्यू वन, गामा की वैल्यू टू इजकल टू माइनस बी, बी की वैल्यू है वन अपान ए की वैल्यू टू। अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, देखिए क्या आता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2 जा 4 इजकल टू माइनस 1 बाई 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर टिक कर लो, इसे बताना मतलब एडिट करना, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर एक सेकंड, थोड़ी सी गलती है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यहाँ वन बाई टू वन और यहाँ पर माइनस टू है, यहाँ पर माइनस टू है, तो गामा की वैल्यू क्या है, माइनस टू। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू वन बाई टू, बीटा की वैल्यू वन, गामा की वैल्यू माइनस टू इजकल टू माइनस बी की वैल्यू वन, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है टू। अब इसको सॉल्व कीजिए तो वन प्लस वन बाई टू, वन प्लस वन बाई टू क्या आ जाएगा, थ्री बाई टू माइनस टू इजकल टू माइनस वन बाई टू, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री माइनस टू, टू जा फोर डिवाइडेड बाई टू इजकल टू माइनस वन बाई टू। इधर भी देखेंगे तो वन बाई टू, इधर भी माइनस वन बाई टू, मतलब एल एच एस इजकल टू आर एच एस, एल एच एस और आर एच एस इक्वल आ गया। अब ऐसे इसको देखिए, अल्फा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, वन बाई टू रखेंगे, बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, वन, बीटा की वैल्यू वन, गामा की वैल्यू माइनस टू प्लस गामा की वैल्यू माइनस टू, अल्फा की वैल्यू वन बाई टू इजकल टू सी बाई ए, सी की वैल्यू है माइनस फाइव बाई ए, ए की वैल्यू है टू। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या आ जाएगा, वन बाई टू, ये माइनस टू और ये टू, टू कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वन आ जाएगा इजकल टू माइनस फाइव बाई टू। अब यहाँ से आप लोग देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा वन बाई टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाई वन इजकल टू माइनस फाइव बाई टू, तो ये वन माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई टू इजकल टू माइनस फाइव बाई टू। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बाई टू इजकल टू माइनस फाइव बाई टू, ये क्या आ गया, एल एच एस इजकल टू आर एच एस इक्वल आ गया। अब ऐसे ही हम लोग इस भी कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा इजकल टू माइनस डी बाई ए,
इसको भी वेरीफाई कर लीजिए, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2, डी की वैल्यू है 2, -2, और इसकी भी वैल्यू, ए की वैल्यू भी 2 है। यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा -1, यहाँ से भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा -1, मीन्स LHS इजकल टू RHS। क्लियर। उसके बाद आप लोग लिख दीजिए सबका सब LHS RHS इक्वल है, सो द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। क्लियर। अब ऐसे ही आप लोग इसको भी कर लीजिएगा, यही 3 रिलेशनशिप वेरीफाई कराना होगा, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना है विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 3 -1 एंड -3। हमें क्यूबिक पॉलीनोमियल निकालना है। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं x² - α + β (x) + α β, ये होती थी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। लेकिन अब हम लोगों को निकालना है क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो जनरल क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होती है? जनरल क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होता है? x² + α β + β γ (x²) + α β + β γ (x) - α β γ (α β γ) ये होती है क्यूबिक पॉलीनोमियल, जनरल क्यूबिक पॉलीनोमियल। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसका फार्मूला भी बताया है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलीनोमियल विद द सम, मतलब सभी जीरोज, अगर 3 जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, दो को एक साथ लेकर के, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, मतलब सबको अल्फा बीटा गामा, इन सब की वैल्यू यहाँ गिवन है, पहली 3 है, दूसरी -1 है और तीसरी -3 है। ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए आप लोग, तो क्या आ जाएगा? x³ - α + β + γ की वैल्यू कितनी है? 3। जीरोज के सम 3 है, x² + α β + β γ + β γ α, दो को एक साथ लेकर के जब सम किया गया है तो इसकी वैल्यू है -1 - x - α β γ, सबका प्रोडक्ट कितना है? -3। अब ये क्या बन जाएगा? x³ - 3x² - x - -+3, ये हमारी क्यूबिक पॉलीनोमियल बन जाएगी। क्लियर, नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल f(x) = 2x³ - 15x² + 37x - 30 आर इन AP, फाइंड देम। AP का मतलब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे, अभी आगे एक चैप्टर है उसको, उसमें आप लोग पढ़ोगे तब जानोगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाओगे। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब बता दूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में से कहते हैं समांतर श्रेणी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब है समान अंतर वाली श्रेणी, मीन्स ऐसी सीरीज जिनका डिफरेंस सेम हो, ऐसी सीरीज हो जिनके किन्हीं दो टर्म का अंतर समान। जैसे अभी हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इस तरीके से लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12, इस तरीके। अब आप लोग देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 3 और 6 का डिफरेंस 3 आया, अब 6 और 9 का डिफरेंस, 6 और 9 का डिफरेंस भी 3 आया, और यहाँ पर 9 और 12 का डिफरेंस, 9 और 12 का भी डिफरेंस 3 आया। तो ये इसका मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसे ही दिया हुआ है 2, 3, 5, 9। अब यहाँ आप देखिए 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1 है,
थ्री और फाइव के बीच का डिफरेंस टू है और फाइव और नाइन के बीच का डिफरेंस कितना है, फोर है। तो यहाँ पर देख रहे हो डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो अब हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थोड़ा सा मतलब आप लोग समझ गए होगे, बाकी आगे आप लोग चल करके समझोगे। इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू इतना, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को हम कंपेयर करते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -15 है, सी की वैल्यू 37 है और डी की वैल्यू -30 है। डी की वैल्यू क्या है, -30 है। ये है हमारा ए बी सी डी की वैल्यू। अब यहाँ पर अगर इसके जीरोज एपी में है, दिया हुआ है कि द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर इन एपी, अगर एपी में है तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा बीटा गामा होता है। तो इसके जीरोज अल्फा बीटा गामा ना लेकर के हम लोग लेते हैं, चलिए अल्फा बीटा गामा ना लेकर के हम लोग ये लेते हैं ए माइनस डी और ए और a प्लस डी, ये लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिया हूँ। ऐसा मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस निकालो। अगर यहाँ पर डिफरेंस निकाला जाए तो ये a हो जाएगा, ये माइनस a माइनस माइनस प्लस d, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। इन दोनों का भी डिफरेंस निकालो, देखो लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला, a प्लस d माइनस a, ये और ये कैंसिल करो, क्या आ गया, d आ गया। तो ये मतलब ये किस में हमने ले लिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। हम लोग फार्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा के स्थान पर क्या आएगा, अल्फा के स्थान पर ए माइनस डी प्लस बीटा के स्थान पर ए, गामा के स्थान पर ए प्लस डी आएगा, माइनस बी, बी की वैल्यू है माइनस 15 डिवाइड बाई ए, ए की वैल्यू है 2। अब यहाँ से ये डी और ये डी कैंसिल आउट, ए प्लस ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 3a आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, 3 5 जा 15। तो ये a की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 आ गया, क्लियर। अब हम लोग एक और जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बाई ए, ये भी होता है माइनस डी बाई ए। अल्फा, अल्फा की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है, ए माइनस डी, बीटा की वैल्यू ए, गामा की वैल्यू ए प्लस डी है, इक्वल टू माइनस डी बाई ए, डी की वैल्यू है माइनस 30 और ए की वैल्यू है 2। अब यहाँ से अगर देखोगे तो a, यहाँ से a माइनस डी, ए प्लस डी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इजकल टू 30 डिवाइडेड बाई 2, या इसको डिवाइड कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू क्या है, 5/2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और a की वैल्यू 5/2 इक्वल टू 15, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4 माइनस डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, इक्वल टू 6 आ गया। अब डी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, डी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 4, 6 को इधर कर दीजिए माइनस 6, अब ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 6 4 जा 24, 24 डिवाइडेड बाई 4 तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 और 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, डी की वैल्यू ये 1/2 आ जाएगी। अब हम फाइंड देम, इसे फाइंड करना है, मीन्स जीरोज को फाइंड आउट करना है, तो अल्फा की वैल्यू भी निकालते हैं, अल्फा की वैल्यू भी, बीटा की वैल्यू भी और गामा की वैल्यू भी, तीनों की। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, a माइनस डी, मतलब a की वैल्यू 5/2 माइनस डी, डी की वैल्यू 1/2, तो 5 माइनस 1 4/2 मतलब 2 आ जाएगा, ये पहला आंसर हो गया, पहला जीरोज। दूसरा बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है ए, ए और ए की वैल्यू क्या है, 5/2, ये सेकंड हो जाएगा।
थर्ड हम लोगों का क्या है, ए प्लस डी। ए की वैल्यू है 5/2 + 1/2, तो 5 + 1 = 6/2, 6/2 मतलब 3। ये थर्ड आंसर। यही तीनों जीरो आ जाएंगे इस पॉलिनोमियल के, ये तीन जीरो आ जाएंगे, 2 और 5/2 और 3। क्लियर? आप लोग नोट कीजिए, अगर समझ में नहीं आए दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस मे बी इन एपी। अगर इसकी पॉलिनोमियल एपी में है तो कंडीशन हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल को हम लोग ax² ax³ + bx² + cx + d से कंपेरिजन कर लेते हैं। तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 3p हो जाएगी, c की वैल्यू 3q और d की वैल्यू r आ जाएगी। और ap में है, इसके जो जीरोज हैं वो ap में हैं, तो ap में जीरोज हैं तो हम क्या लेंगे इसे, a - d a और a + d लेंगे। ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा AP में है, AP का मतलब मैं बता चुका हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, रिलेशनशिप यही होता है, -b/a। तो अल्फा के स्थान पर a - d, बीटा के स्थान पर a, गामा के स्थान पर a + d। तो ये आ जाएगा -b/a, b की वैल्यू है 3p डिवाइडेड बाई a के स्थान पर 1। यहाँ से देखेंगे तो ये d और ये d कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 3a = -3p। तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, a = -p। ये आ जाएगा a की वैल्यू। अब हम लोग सेकंड लगा देते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा = क्या होता है, ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा = c/a। अल्फा के स्थान पर हम क्या रखेंगे, a - d, बीटा के स्थान पर a, बीटा के स्थान पर a, गामा के स्थान पर a + d, गामा के स्थान पर a + d और अल्फा के स्थान पर a - d = c। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 3q, a की वैल्यू है 1। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, a² - ad + a² + ad और यहाँ से आ जाएगा a² - d² = 3q। यहाँ से देखेंगे तो ad + ad - ad कैंसिल आउट, a² + a² + a² क्या हो जाएगा, 3a² - d² = -3q। अब यहाँ 3a, a की वैल्यू है -p, तो यहाँ a के स्थान पर रख दीजिए -p² - d² = -3q। अब ये क्या हो जाएगा, -p² p² हो जाएगा, तो 3p² - d² = -3q ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग d² को अगर इधर भेज देंगे तो d² = क्या आ जाएगा, 3p² - ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, +3q। 3 कॉमन ले लीजिए, d² = 3 कॉमन ले लेंगे तो p² + q आ जाएगा, ये आ जाएगा d² की वैल्यू। अब हम लोग थर्ड वाला जानते हैं, α·β·γ = क्या होता है, -d/a। अल्फा की वैल्यू a - d, बीटा की वैल्यू a और गामा की वैल्यू a + d = -d की वैल्यू है r डिवाइड बाई a की वैल्यू है 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ से, यहाँ एक सेकंड, एक गलती हुई है हम लोगों, क्या है यहाँ 3q/1 है, 3q/1 यहाँ भी 3q है, यहाँ पर -3q कहाँ से आ जाएगा, ये माइनस नहीं रहेगा, क्या आ जाएगा 3q, और जब ये 3q इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3q। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, p² - q। अब यहाँ पर हम लोग इसको और इसको देखें, a - d a + d क्या हो जाएगा, a² - d² ये हो जाएगा (a = -r) a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू क्या है -p, तो यहाँ रख दीजिए -p² - d²
और ए के स्थान पर माइनस पी इजकल टू माइनस आर, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा माइनस पी का स्क्वायर, माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, डी स्क्वायर के स्थान पर आ जाएगा थ्री पी स्क्वायर माइनस क्यू इंटू पी इजकल टू आर। अब ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस थ्री पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री क्यू मल्टीप्लाइड में पी इजकल टू आर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, थ्री यहाँ से आ जाएगा थ्री क्यू, और थ्री पी स्क्वायर में से एक पी स्क्वायर निकल जाएगा तो टू पी स्क्वायर बच जाएगा, ये इंटू पी इजकल टू आर, यही हमारी कंडीशन आ जाएगी। क्लियर, थ्री क्यू माइनस टू पी स्क्वायर इंटू पी इजकल टू आर, यही कंडीशन आ जाएगी, नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इजकल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी एक्स प्लस डी आर इन ए पी, प्रूव दैट टू बी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी प्लस ए स्क्वायर डी इजकल टू जीरो। ये चीज हमें प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करना है सबसे पहले हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन एफ एक्स इजकल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स थ्री बी एक्स थ्री बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी एक्स प्लस डी। अब इसको हम कंपेयर कर देते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। अब हम लोग ए की वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉल ए, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री बी, सी की वैल्यू है थ्री सी, डी की वैल्यू है स्मॉल डी, और इनके जीरोज दिया हुआ है कि इनके जीरोज एपी में है तब हमें प्रूफ करना है। तो अगर जीरोज एपी में है, तो जीरोज अगर एपी में है तो हम लोग इसको लेते हैं ए बी सी डी कहे कैपिटल में या उसमें तो हम ले नहीं सकते हैं, तो जीरोज को हम अल्फा बीटा के टर्म में लेते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा एक जीरोज ये हो जाएगा, दूसरा अल्फा और तीसरा अल्फा प्लस बीटा। इसमें भी आप लोग डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा तो बीटा आ जाएगा डिफरेंस, इनका भी डिफरेंस देखोगे तब भी बीटा आ जाएगा, मतलब जहां पर ए माइनस डी लिखते थे वहां अल्फा माइनस बीटा लिख दिया हूं, यहां ए ए प्लस डी लिखते थे तो ये अल्फा प्लस बीटा लिख दिया हूं। क्लियर, ये हमारा पहला जीरोज, ये दूसरा जीरोज, ये तीसरा जीरोज, और तीनों जीरोज का सम निकालते हैं हम लोग, तीनों जीरोज का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो क्या होता है, अल्फा के स्थान क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा के स्थान पर अल्फा आ जाएगा बीच वाला प्लस थर्ड वाला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपान कैपिटल बी, बी अपान ए। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बी और ये बी कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा 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 क्या आ जाएगा थ्री अल्फा, थ्री अल्फा इजकल टू क्या आ जाएगा माइनस बी, बी के स्थान क्या है थ्री बी अपान ए के स्थान पर ए। यहाँ से देखेंगे तो ये थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपान ए, ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगा। अब उसके बाद सेकंड वाला हम लोग लगा देते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसको, तो इसमें अल्फा बीटा इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे, पहला वाला इंटू मल्टीप्लाइड बाई दूसरा वाला, तो अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा, ये फर्स्ट और सेकेंड प्लस सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड है अल्फा प्लस बीटा प्लस थर्ड एंड फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा इजकल टू होता है ये सी अपान ए, सी अपान ए। यहाँ पर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इजकल टू सी, सी की वैल्यू क्या है थ्री सी डिवाइड बाई ए, ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू है स्मॉल ए। यहाँ से देखेंगे तो माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कैंसिल आउट, अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आ जाएगा थ्री अल्फा स्क्वायर, थ्री अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इजकल टू थ्री सी अपान ए। अब ये बीटा स्क्वायर माइनस का है इधर भेज दीजिए तो ये प्लस का हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा थ्री अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू क्या है अल्फा की वैल्यू है माइनस बी अपान ए इसका स्क्वायर, और ये वाला प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा थ्री सी अपान ए। यहाँ पर हम लोग बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आ जाएगा थ्री
बी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस थ्री सी अपान ए, ये आ जाएगा। थ्री कॉमन ले लीजिए और थ्री कॉमन ले लीजिए और एलसीएम ले लीजिए ए स्क्वायर, बीटा स्क्वायर थ्री कॉमन ले लिए और एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर की वैल्यू। अब हम लोग जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू क्या होता है माइनस डी अपान ए, माइनस डी अपान ए। इसको और इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और इंटू अल्फ़ा इक्वल टू माइनस डी, डी के स्थान पर स्मॉल डी और ए के स्थान पर स्मॉल ए, ये आ जाएगा। अब इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख दीजिए, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस बी अपान ए का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, बीटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं, थ्री बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए इजकल टू माइनस डी अपान ए, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ए और ये ए माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस, थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस थ्री बी स्क्वायर, थ्री बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री ए सी डिवाइडेड बाई, या कि यहाँ पर रहने दीजिए ये माइनस और यहाँ पर ए स्क्वायर रहने दीजिए, ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई बी इजकल टू डी, ये आ जाएगा। अब पूरे में एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा पूरे में ए स्क्वायर, और एलसीएम जो ले रहे हैं हम ए स्क्वायर, उस ए स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू डी, और इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बी क्यूब, बी से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ जाएगा, बी क्यूब माइनस थ्री बी क्यूब, थ्री बी क्यूब माइनस माइनस प्लस थ्री ए बी सी, ये आ जाएगा। तो थ्री बी क्यूब में से एक बी क्यूब निकल जाएगा तो माइनस का टू बी क्यूब आ जाएगा, प्लस थ्री ए बी सी इजकल टू ए क्यूब डी आ जाएगा, ए क्यूब डी और ए क्यूब नहीं ए स्क्वायर इंटू डी आ जाएगा। अब इस चीज को ये माइनस में है इसको उधर भेज दीजिए तो प्लस में हो जाएगा 2b क्यूब 3abc, ये प्लस का है उधर भेज दीजिए माइनस का हो जाएगा 3abc, और ये वाला तो इधर है ही है प्लस a स्क्वायर d, यही हमारा फाइनल आंसर है जो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्लियर। नोट कीजिए आप लोग, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है दोबारा देखिए, ध्यान से करिए, खुद से करिए, समझ में आ जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, If the zeros of the polynomial fx is equal to x cube minus 12x square plus 39x plus k are in AP, find the value of k. अगर ये polynomial है और तो k की value find out करना है, अगर zeros उसके AP में है तो हम लोग सबसे पहले ये polynomial given है इसका हम compare करते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 12, सी की वैल्यू 39 और डी की वैल्यू k है। अब अगर इसके जीरोज एपी में हैं, अगर इसके जीरोज एपी में हैं तो क्या होगा, a माइनस डी ए और a प्लस डी, ये होगी, ये अल्फ़ा होगा, ये बीटा होगा, ये गामा होगा, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू क्या होता है, माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा की वैल्यू a माइनस डी प्लस ए प्लस ए माइनस डी इजकल टू माइनस बी की वैल्यू है माइनस 12 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 1, अब यहाँ से d और d कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 3a इजकल टू 12, तो a इजकल टू 3 4 जा 12, a की वैल्यू क्या है 4। उसके बाद हम लोग जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इजकल टू होता है c अपान a, अल्फ़ा के स्थान क्या आएगा a माइनस डी इंटू ए प्लस ए इंटू एल ए माइ ए प्लस डी
ए प्लस डी गामा के स्थान पर, ए प्लस डी अल्फा के स्थान पर, ए माइनस डी इजकल टू सी। सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है 39 अपान ए की वैल्यू है 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए डी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए डी प्लस यहाँ ए प्लस डी ए माइनस डी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इजकल टू 39। यहाँ अगर देखेंगे आप लोग तो ये और ये एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a² माइनस डी स्क्वायर इजकल टू 39। अब 3a की वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इजकल टू 39। डी को उधर भेज दीजिए तो डी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा कितना आ जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 हो जाएगा और 39 इधर आएगा माइनस हो जाएगा 48। डी स्क्वायर इधर चला गया, इधर 48 हो गया माइनस 39 कितना आ गया भाई, 8 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बस ये 9 ही आ जाएगा 38 140, हाँ 9 आ जाएगा। डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, डी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, क्लियर। अब हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू माइनस डी अपान ए होता है, डी अपान ए। अल्फा की वैल्यू है ए माइनस डी, बीटा की वैल्यू क्या है ए, और गामा की वैल्यू ए प्लस डी इजकल टू माइनस डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है के अपान ए, ए की वैल्यू है 1, क्लियर। अब हम लोग ए प्लस डी ए माइनस डी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इजकल टू माइनस के, ए की वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू है 4, नहीं इस ए की वैल्यू, हाँ भाई ये ए है, कैपिटल ए ही है, तो ये इस ए की वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू, डी स्क्वायर की वैल्यू है 9, ए की वैल्यू है 4 इजकल टू माइनस के, अब ये 4 4 जा 16 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये आया माइनस के, तो माइनस के इजकल टू ये 9 1 10 और 6 16 मतलब ये हो जाएगा 7 इंटू 4 और 7 4 जा 28 और ये माइनस को इधर भेज दीजिए, ये के आया, के इजकल टू आ गया माइनस का 28। यही के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था जिसकी वैल्यू आ गई माइनस 28, क्लियर। नोट कीजिए आप लोग।